खूब लोग पसंद कर रहे हैं उस डायलॉग ने मम्मी, तरबूज तरबूज के डोबरे वाले ने, तरबूज का डोबरा नहीं है कटाइया मुद हमारे पास नहीं हो करना इधर मुंह। रियांश देखियो देखियो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, कती कॉपी पेस्ट है दोनों। तो हेलो जी, नमस्ते, राम राम जी सभी को, कैसे हैं आप सभी, होप सभी गाइस अच्छे होंगे। सो गाइस, कौशिक व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो भैया आज है मावस और सब नहा धो के बिल्कुल तैयार हैं और मावस की जोत मम्मी जी ने जला दी है, डियांस को सुला दिया है और नेवी पूरी शैतानी कर रहा है। ये देखो भाई, अरे गिर गया ना, इसको पता लग जाएगा अच्छे से। नीचे उतर जा नेवी, प्लीज बेटा। भैया पूरी ऐसे शरारत करता रहता है और इसकी पिटाई होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। प्रियांश को सुला दिया था, देखो सो रहा है ना धोके। अरे सुनो, एक बात मानोगे, रिक्वेस्ट है, है? प्रॉमिस करो, है? हाँ बताओ। प्रॉमिस। प्रॉमिस तेरा भरोसा ना है भाई कि मैं भी हाँ बोलूँ? ना ना कुछ भी ना, कती सही चीज होगी। हाँ बोल रहे हैं। जो पूरी कर सकते हैं यार, आज बहुत दिन हो गए बाहर का कुछ खान का जी करा मंगवा दो। बाहर का कुछ खान का जी करा मंगवा दो है? यार प्लीज यार है? ज्यादा ना ए बे बे में ना करो। अच्छा यार एक बात बताओ, है अगर किसी प्यासे ने पानी मिल जा और किसी भूखे ने खाना मिल जा, है तो इसका मतलब की होया करन बताओ। तो मतलब क्या, अगर जिस प्यासे ने पानी मिल जाए, भूखे ने खाना मिल जाए, यार ये को मतलब है के बात का मतलब है, तू बता। बात का मतलब, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि प्यासे को पानी मिल गया उसकी प्यास मिट गई, भूखे ने खाना मिल गया उसकी भूख मिट गई, बस बस यो मतलब होया। हाँ, जो फालतू हो और उसने थप्पड़ मिल जाए तो उसका क्या मतलब होता है? जो इंसान फालतू हो और उसको थप्पड़ मिल जाए तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है हस्बैंड ने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा और ये ले। ये रहने दे यार, मैं मजाक की क्यों भी रही हूँ, क्यों रही हूँ बेटा। तो भाई शाम हो गई यार, यो मारा थोड़ा। अच्छा आपकी मम्मी का बदला लेने के लिए आया क्या तू? सुने हो, हेलो, दो दिन अपने मम्मा का जागे है ना। ओ, 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 यो पत्थर मारा भाई इसने, फेंक के देख लो। नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, नेवी नो गंदे। ये ऊपर लेमन तक हुआ है, पापा को मारते है क्या? हाँ। सॉरी बोलो, कान पकड़ के, 1 2 3 गुड बॉय। ओए 3x में देखो तुम दोनों कैसे आ रहे गोलू मोलू से। भाई कमेंट आती है कि कॉपी पेस्ट की दुकान है, दोनों कॉपी पेस्ट ही है दोनों, दिखाई रहा है तू करना इधर मुंह। रियांश देखियो देखियो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, कती कॉपी पेस्ट है दोनों, देखियो बिल्कुल कॉपी पेस्ट सेम। मेरी तरफ मुंह कर ले, चाइनीज सी शक्ल की, देखियो भाई आंख नाक चाइनीज है, आंख आता तो कौन लाग रहे हम चाइनीज हो। मेरी माँ का चाइनीज कौन है, मम्मी नु का एलियन नंबर की आंख की। भाई मम्मी ममता का कभी हाथ धोगा भी छपट रही है, आप नहीं बख्शेगी तुझे। तो भाई पापा ने बो दी अपनी कैरी, इसमें लगा दी पालक ने भी, इसमें से निकल जा बेटा, ये बाबा की कैरी है, इसमें बाबा ने ना कुछ उगा रखा है। तो भाई यहाँ पे लगा दी पालक और यहाँ पे लगाई, सॉरी यहाँ पे लगाई है मूली, यहाँ पे लगाई है पालक, मतलब दे लो पापा ने कभी बिल्कुल सीधी सीधी कैरी बना रखी है और इस क्यारी में पता नहीं क्या बोएंगे उसमें उसमें उसमें। तो सर्दियां का जुगाड़ हो गया है, अब सर्दी आ जाएंगी, सर्दियां में सब्जियां खाने का सबसे बढ़िया मामला रहो है, गर्मी में तो ये थी भाई तोरू तारू की बेलिए भी, अब बस हो गया मामला। बाकी सर्दियां में तन मतलब तेरे फेवरेट के है हरी सब्जियां, मतलब गोभी, गोभी हरी सब्जी देख लो भाई, गोभी व्हाइट सब्जी नहीं वैसे, मतलब जो अगर अपने बुआया करें अपने जो उगाया करें, चना का साग मेरा फेवरेट है भाई, मेथी के परौठे, मेथी ठीक है, मूली की भुज्जी और बथुआ की भुज्जी। माँ तेरा क्या फेवरेट है?
मम्मी का फेवरेट मेरा के है, मम्मी का फेवरेट के है, मम्मी का फेवरेट है चिन्नी का पेड़। काश कोई चिन्नी का पेड़ भी होता तो मम्मी है ना पक्का बोल लेती उसने। रियांश कमन कर रहा है कि मम्मी जल्दी से गोदी ले ले और बाहर न ले जाओ। अरे रियांश मम्मी आपने मेरे से एक प्रॉमिस करा था। बोल तो देख भाई मैं बताती हूँ मम्मी ने क्या प्रॉमिस किया था। मम्मी ने कहा था कि अक्टूबर में अभी टिकट करा लेते हैं, अक्टूबर में कोलकाता जाएंगे घूमने। बाय तू बाबा की उससे निकल जाना, बाबा बना देगा तेरा बाय यहीं पे ही। हाँ जल्दी आ जाओ। कोलकाता जान की कही थी आपने। अरे बाप क्यों भी नहीं कर रहे हो जान की। तू क्या कर रहा है, ट्रेन बैठ के चला छुक छुक करके। तो कर जाओगे, टिकट तो करवाइए ना। टिकट ऐसे बन जाएगी, जादू मंत्र करके दिखा दे मम्मी इसका, इसका जादू मंत्र। मम्मी वो काल वाले वो लोग में जो डाल लिया था उसमें तने नु बताया था कि इसका कि में पेट पैट किसा निकल रहा है डोबरे। आज खुला सूट पहन रही है जान करके। खूब लोग पसंद कर रहे हैं उस डायलॉग ने मम्मी, तरबूज तरबूज के डोबरे वाले ने। मम्मी तरबूज का डोबरा नहीं है, कढ़ाई मो तो हमारे पास नहीं हो। एक और आईडी बताओ तो ना। पहली नन्नी हर का दादी हर का जमाना में कागज पे के ना और मुखड़ में कुटे तो ढक कोला बना इतना भी कोनी मम्मी कोई बात कोनी, अब बात मान लो छोटी ढकोली जली 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 मारे को नहीं पड़ता जलने की बू जलने की। बता दो चाहते हो तो बता दो, मैं व्लॉग बनाऊं। व्लॉग में प्रॉमिस करो मेरे तो। व्लॉग का प्रॉमिस के मतलब होया वादा तो टूट। व्लॉग वाला कह दिया भाई ठीक से पढ़ना चाहे पहले। और के वादा तो टूट जाता है भाई। साड़ी खरीदने खातर ये कलकत्ता जाऊं। साड़ी खरीदेगी मैं तो दिवाली आऊंगी साड़ी और मैं चाल पड़ूंगी। पर तुम मैं पर तुम साड़ी अल मेरी अलमारी में रख जाएगी ना। मम्मी तू बता दे सच्ची। मम्मी भाई इसका केक राम के क्या मजा आ गया बेटा, कर ले ले मजा। मम्मी नू बता दे तने इस सच्ची इस दौरे कितनी साड़ी है। आगन साड़ी इनत गिनत से उन के काम से पर पैर को नहीं पहनी जाती हूं मैं साड़ी। क्या नहीं पहन किसमें? हां को दो बच्चा। हां बता ये तमी जम्मे हो ना। हाँ। मेरे जम्मे को नहीं। हम तीन भाई हैं भाई ना, हम तो सारे प्रकट हुए। हम तो प्रकट हुए हैं साक्षात साक्षात भाई, हम प्रकट हुए हैं भाई। इन नई नवेलिया ने बालक जम्मे हैं। हां अब सारे दिन लड़का लिपटे रहा सो न्यारी चिक्कू। ए चिक्कू चिक्का भाई तेरी ये चप्पल तो बहुत अच्छी है, कहाँ से लेके आया रे? नरेला से। हाँ नरेला से, जुखाम भी नरेला से ही लेके आया तू है ना, है ना? तो भाई मम्मी लेके जा रही है रियांश को और नेवी को, तो मम्मी घुमाने लेके जा रही है। शाम का टाइम इनका घूमने का होता है, इतने में थोड़ा सा काम निपटा लूंगी। आज बनेगी हमारे घर पे खिचड़ी, तो रोटी और सब्जी से मैं बेफिक्र हूँ और मौज हो जाओ है। और मेरे सुबह के थोड़े चावल बनाए थे उनमें मैं छोंक लगा के अपने नमकीन चावल बना लूंगी। और नेवी जा रहा अपने पापा के साथ, मैं ले जाऊंगी रियांश ने, कुलदीप ले जाऊंगी नेवी ने, तू अपना आराम तो फोन लेके और सोफा पालते पलती मार के बैठ जाइए। और बर्तन कौन मांजेगा? बर्तन पर हमारे पास न्यूर 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 करके लाग जाइए। कर जाओ कोलकाता, प्रॉमिस प्रॉमिस। तो भाई मम्मी ने मेरे तो प्रॉमिस करा था कि फिर तेने कोलकाता लेके जाऊंगी घुमा के लेकर। तू भी ब्लॉग में प्रॉमिस कर अगर साड़ी पहनेगी। भाई साड़ी का यो है कि घर घर में नहीं बांधी जाती, जो भाई घर में लेडीज रहती हैं, जो घर में रहती हैं उनको पता होगा भाई पहले की लेडीज थी बांध लेती थी क्योंकि साड़ी ही बांधती थी। सूट पहने पाछे साड़ी नहीं अच्छी लगती, क्यों? क्योंकि सूट में ज्यादा कम्फर्ट जोन रहता है, साड़ी में अनकम्फर्ट जोन रहता है। मम्मी की हो रही आदत ना, मम्मी की हो रही आदत साड़ी बांधने की, तो मम्मी ने सूट अच्छे को नहीं लगा क्योंकि भाई 35-37 साल हो गए मम्मी ने कभी सूट पहन नहीं ना है। इब हम डेली सूट पहन रहे तो इब हमारी साड़ी का थोड़ा सा आने जाने में बरत ले हैं। तो ठीक है मम्मी बाय, ओके लव यू। ठीक है भाई दोनों पीछे से सेम सेम लग रहे हैं, मेरे पे ये तो मेरे पे भाई। तो भाई मैं बर्तन वर्तन साफ करके अपना सोफे पे बैठ गई हूँ और ये बात मम्मी बोल के गई थी कि तू आराम तो सोफे पे बैठ कर फ़ोन यूज़ करेगी क्योंकि मैंने अपना काम निपटा लिया। तो मैं सोची थोड़ा सा फ़ोन यूज़ कर लूँ, थोड़ी रील वगैरह पोस्ट कर दूँ इंस्टाग्राम पे, शॉर्ट्स पोस्ट कर सॉरी यूट्यूब पे शॉर्ट्स पोस्ट कर दूँ। देखो भाई इसका दिखाइए भाई, तो आप क्या करो जी? तो मम्मी देख लो आपके जाए पाछे के हाल कर दे आज छोड़ की गई थी। भाई देखो अच्छा दिखा दे। देखो भाई छोरे ने हाथ जला दिया और वो भी छोरे के पापा मैला कहती हो गए है के लग गया यो बार साफ करो उसने पानी दे दो तन्नू बता दो आप लगाओ ना हैं
हेलो शिक्षक, हमें इतनी शिक्षा देते हो और खुद देख लो एक आदमी आ गया। हाथ लगा दिया थोड़ा, बर्फ बर्फ दे दियो, खोले हो गए भाई, कोई ना कोई कुछ भी नहीं गलत लगा। नेवी तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, नेवी तो एक बार ये है कि दवाई का एक बार थोड़ा सा मामला सेट हो गया होगा ना। अच्छा नहीं, नेवी का हाथ बहुत ज्यादा जल गया और जलने के 2-3 मिनट बाद हमने बर्फ से सिकाई की एलोवेरा जेल लगाया, बट फफोले आ ही गई इसके हाथ में। और इसको पहले भी एक बार इसका हाथ जला था तो बहुत ज्यादा इसको दिक्कत रही थी 4-5 दिन, और अभी भी इसको हाथ जल गया है। तो अभी पट्टी की है कि दवाई वो ऐसे की एज इट इज ऐसे ही रह जाए। ओम नमः शिवाय करो, हाँ ऐसे करके ओम नमः शिवाय। तो भाई नेवी के हाथ में चोट लगी हुई है, इसके पापा देखो कितने लाड से खाना खिला रहे हैं, वो भी दलिया मेरे हाथ का कैसा बना हुआ तो बता दो। बहुत ही खराब है नेवी, खराब बना हुआ, खराब बना था ना। अगर मैंने को होता है तो हम अनाज की वो करते हैं क्या, करना नहीं आओ कि मैं भी करना, सिर्फ मुंह बनाना। मम्मी आप बता दो भाई, तो स्वाद लगी। तो गाइस रात के 10 बज चुके हैं, खाना पीना खा के सारा काम वाम निपटा के अब है सोने की तैयारी। तो नेवी के हाथ में ज़्यादा दर्द हो रहा था तो उसको भुला फिसला के सुला दिया, अब इसको दूध देना है। दूध देने के बाद शायद मॉर्निंग में उठे तो उसको थोड़ा सा आराम महसूस हो। तो भाई मुझे किसी ने बताया था अजवाइन जीरा और सौंफ का पानी, तो मैं रात को भिगो के रख दूँगी, इससे शायद मेरा टमी कम हो जाए। तो भाई अभी घरेलू उपचार में कर रही हूँ। तो भाई ये देखो रात को 10 बजे दादी पोता बाहर का टूर लगा के आए, नींद नहीं आती आपको? खाए पियो सलीम 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 क्या हो सके, सलीम सलीम पतला पतला खा पी के हजम कर रहा है, सोने की तैयारी है अभी। तो गुड नाइट बोल दे। गुड नाइट, गुड नाइट भाई, आज का व्लॉग इतना ही, और बने रहे हमारे व्लॉग पे, आपको मजा आ रहा हो। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो हमारा सुपर हीरो